भगवती सूत्र में कहा गया है, से नूनम भन्ते सब पाणे हिम सब भूए हिम सब जीवे हिम सब सत्ते हिम पच्चखाय मिति बदमानस्य सुपच्चखायम भवति दुपच्चखायम भवति। गोयमा सब पाणे हिम जाव सब सत्ते हिम पच्चखाय मिति बदमानस्य सिय सुपच्चखायम भवति सिय दुपच्चखायम भवति। प्रश्न किया गया कि कोई पुरुष कहता है कि मैंने सब प्राण भूत जीव और सत्वों के बद का हिंसा का प्रत्याख्यान कर दिया है। यह जो बात कोई आदमी कहता है कि प्रत्याख्यान कर दिया है, तो उसका वह प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यात होता है अथवा दुष्प्रत्याख्यात होता है। उत्तर दिया गया कि गौतम, वो ऐसा जो आदमी बोलता है कि मैंने सब प्राण भूत जीव सत्वों के बद का प्रत्याख्यान कर दिया है, वह हो सकता है सुप्रत्याख्यात भी हो और हो सकता है वह दुष्प्रत्याख्यात भी हो। यानी कोई यह कहे कि मैंने सब जीवों की हिंसा का त्याग कर दिया है, तो वो त्याग या प्रत्याख्यान किया है वो सम्यक प्रत्याख्यान हुआ है अथवा दुष्प्रत्याख्यात यानी असम्यक प्रत्याख्यान हुआ है। इस संदर्भ में उत्तर दिया गया कि दोनों ही बातें हैं। किसी का वह प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यात हो सकता है और किसी का वह प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान न भी हो, सुप्रत्याख्यात न भी हो, दुष्प्रत्याख्यात हो। इस सारी बात का मूल सार यह है कि हिंसा का कोई त्याग करता है जीवों की हिंसा का, तो उसे ज्ञान है या नहीं कि जीव क्या होते हैं अजीव क्या होते हैं। जीव क्या अजीव क्या यह स्पष्ट धारणा, सही धारणा दिमाग में है, वह जीवों को भी जानता है अजीवों को भी जानता है, स्थावर को भी जानता है त्रस को भी जानता है। यो जिसमें ज्ञान है सम्यक दर्शन है और वह अगर प्राणियों की हिंसा का त्याग करता है और पालता है तो वह सुप्रत्याख्यात है। उसको ज्ञान अगर है ही नहीं कि जीव क्या और अजीव क्या, पानी भी सजीव हो सकता है, वनस्पति सजीव, ये कीड़े मकोड़े जीव हैं, यह पट्टा जीव नहीं है, यो जीव अजीव का विवेचन जिसको पता ही नहीं है, वो क्या तो जीव हिंसा को टालेगा और कैसे अहिंसा को पालेगा, तो ज्ञान के बिना वो प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यात होता है, सुप्रत्याख्यान यानी नहीं। अब इस बात का सार यह है कि आचरण ज्ञान पूर्वक पढ़मम नानम तवो दया, पहले ज्ञान करो फिर दया अहिंसा का नियम लो संकल्प लो। तो ज्ञान पूर्वक धर्म की साधना है, ज्ञान पूर्वक आचरण है, वह सम्यक हो सकता है। ज्ञान विहीन आचरण है वह असम्यक हो सकता है। अब कोई मिथ्या दृष्टि है, सम्यक ज्ञान नहीं है, मैं जरा सा तात्विक विश्लेषण भी करना चाहूँगा कि सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, यानी मिथ्यात्वी है,
वो कहे कि मैं तीन कर्ण तीन योग से हिंसा का त्याग करता हूँ, ज्ञान उसे सम्यक है ही नहीं, तो वो त्याग कर भी देता है तो वह साधु नहीं हो सकता, क्योंकि साधु बनने के लिए अनिवार्य है सम्यक दर्शन हो। सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्यात्वी है, तो तीन कर्ण तीन योग से हिंसा का त्याग भी कर दिया है, वह साधु की भूमिका को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, संबर नहीं निर्जरा का लाभ जितना पालन करेगा वो लाभ हो सकता है, पर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के अभाव में उसका प्रत्याख्यान जो जीव हिंसा का किया है वो सुप्रत्याख्यात नहीं, क्योंकि उसे ज्ञान ठीक नहीं है। इसलिए जीव अजीव का ज्ञान होना आवश्यक होता है, नव तत्वों का ज्ञान हो, जीव क्या अजीव क्या पुण्य क्या पाप क्या आश्रव संवर निर्जरा बंद मोक्ष, इन नव तत्वों को अच्छी तरह समझ लिया जाए, फिर जो त्याग प्रत्याख्यान होता है वो सम्यक सुप्रत्याख्यान भी हो सकता है। तो पढ़मम नानम तओ दया, दसवें आलियम आगम की यह वाणी है कि पहले ज्ञान फिर आचरण। श्रावक होते हैं तो पहले वे ज्ञान प्राप्त कर लें, सम्यक दर्शन प्राप्त करें, फिर जो त्याग प्रत्याख्यान होता है तो उनमें पंचम गुणस्थान आ सकेगा। सम्यक्त्व नहीं है, त्याग प्रत्याख्यान कर भी लिया तो परंपरागत मान्यता के अनुसार उनमें पंचम गुणस्थान नहीं आ सकता। इसलिए सम्यक दर्शन भी हो, जीव अजीव का ज्ञान हो, और फिर त्याग प्रत्याख्यान हो। वो दोहा है कि जीव अजीव जानिया नहीं, नहीं जानी छह काय, सुने घररा पावना ज्यों आया त्यों जाय। दूसरा दोहा है इसके विपरीत, जीव अजीव जानिया सही, सही जानी छह काय, बसते घररा पावना मीठा भोजन खाय। एक दोहों के माध्यम से तात्विक धार्मिक जानकारी देने का प्रयास किया गया है कि जो आदमी जीव अजीव को समझता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं कर पाया है, जीव क्या अजीव क्या उसके दिमाग में कोई स्पष्टता नहीं है, और छह काय पृथ्वी काय अपकाय तेजस काय वायु काय वनस्पति काय त्रस काय इनको भी नहीं जानता है, तो ऐसा जो आदमी है वो सुने घर का पाहुना, कोई सुना घर है, कोई रहता ही नहीं है, ऐसे ही कोई नहीं रहता है, वहाँ कोई अतिथि बनकर के जाए उसकी कौन खातिरी करेगा, सुना घर है वो तो आया क्यों वापिस चले जाओ, कोई खातिरी नहीं होती है। बसता घर जिसने जीव अजीव का ज्ञान कर लिया है, छह काय पृथ्वी काय आदि को जान लिया है, वो अपना धर्मोद्यम करता है, धर्म पुरुषार्थ करता है, तो बसते घररा पाहुना, कोई बसता घर है, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके प्रिय हैं, वे लोग वहाँ घर में हैं, तब आप उनके पास जाओगे, आपका आतिथ्य हो सकेगा, खातिरी हो सकेगी, आपको भोजन आदि अच्छी तरह मिल सकेगा। तो यह जो ज्ञान है सम्यक ज्ञान वो ठीक है, तो आत्मा आगे भी जाती है तो वो मानो बसते घर की पाहुना बनेगी, उसको आगे भी अनुकूलता यथा कर्म रहने की संभावना रहेगी। ज्ञान कुछ नहीं है और आचरण भी बढ़िया नहीं है तो आगे कितनी क्या खातिरी होगी, क्या मिलेगा, यानी
अनुकूलता मिलना कठिन है। इसलिए यह मानव जीवन जो प्राप्त है और यहाँ कईयों को बड़ी अनुकूलताएं प्राप्त है, अच्छा मकान है, घर में नौकर चाकर हैं, खूब अच्छी संपत्ति है, अच्छा व्यवसाय है, समाज में भी अच्छी प्रतिष्ठा है, नाम है, लोग भी इज्जत करते हैं, उनके भाषण को सुनना चाहते हैं, उनकी बात को तवज्जो देते हैं, यानी यह काफ़ी मानो पुण्य का योग है। पुण्य का योग है तो समाज में भी प्रतिष्ठा मिल सकती है और भी संपत्ति आदि आदि की अनुकूल संवेदनशीलता हो सकती है। परिवार के सदस्य हैं वे भी अनुकूल हो जाते हैं, जैसे परिवार में पुत्र हैं वो आज्ञाकारी हैं, सेवा करने वाले हैं, घर में सब महत्व सम्मान देने वाले हैं, कोई बात को टालते नहीं है। अब कई कई माताएं होती हैं, अब वो वृद्ध माताएं हैं, पर इनका इतना उनका दबदबा होता है कि घर में पढ़ा लिखा बेटा है, इतना अच्छा राजनीति में और में वर्चस्व है, छाती वाला आदमी बेटा है, माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वृद्ध अवस्था में है, तो इतना पढ़ा लिखा बेटा, पर माँ का भी पुण्य मान लो, बेटे का विनय धर्म विनयशीलता या आज्ञाकारित्व है कि वो कम पढ़ी लिखी माँ एक बात कह देगी तो बात को काटने का साहस बेटा नहीं कर पाएगा कि माँ ने कह दिया अब बस ठीक है। यानी इतना माँ के प्रति सम्मान है, भले कम पढ़ी लिखी है कुछ भी है, बेटा इतना पढ़ा लिखा अच्छी पोस्ट पर है, तो माँ कोई बात कह देती है तो बेटा प्रायः प्रायः माँ की बात को टालने का साहस नहीं कर पाता। इसका मतलब माँ का भी कोई पुण्य है, इतने आज्ञाकारी बेटे मिले हैं। अब यह सारा जो पुण्य क्या है हम मान करके चलें, हम पूर्व पुण्य को भोग रहे हैं, पूर्व की हमारी कोई पुण्याई की हुई है उसको भोग रहे हैं और पुण्य वो धीरे धीरे क्षीण हो जा रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि यहाँ मेरे आदमी सोचे, यहाँ मेरे अनुकूलताएं हैं, परिवार अच्छा मिला है, समाज में भी मेरी इज्जत है, लोग सम्मान देते हैं, तो मैं पूर्व का पुण्य भोग रहा हूँ, आगे के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ या नहीं, आगे क्या होगा मेरा, ये आगे के बारे में भी कि ये तो पूर्व की पुण्याई भोग रहा हूँ अभी तो मैं, आगे के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो यह आदमी को आगे के बारे में भी चिंतन करते रहना चाहिए यदा कदा कि मैं आगे के लिए क्या कर रहा हूँ। अब प्रश्न है आगे के लिए क्या करना चाहिए, कि आगे के लिए धर्म की साधना करो। धर्म की साधना का मतलब कुछ तत्व को समझें, धार्मिक सिद्धांतों को समझें और साथ में त्याग प्रत्याख्यान को जोड़ें, हो सके उतनी तपस्या करें और पाप आचरणों से बचने का प्रयास करें। सामान्य रूप में बताया जाए, जैसे समाज के लोग हैं, श्रावक लोग हैं, कि भाई ठीक है समाज में काम करते हैं, वो भी हमारा कर्तव्य मान लो, एक दायित्व मान लो, समाज की सेवा मान लो, हम परिवार के लिए भी अर्थ भी कमाते हैं, काम करते हैं, समाज के लिए भी सेवा देते हैं, आर्थिक सेवा भी देते हैं, अनेक रूपों में देते हैं, ये ठीक एक पक्ष हो गया आदमी का। अब मेरा दूसरा पक्ष वो धार्मिकता का है, तो मैं सामायिक करता हूँ या नहीं, रोज हो सके तो बढ़िया, 60 वर्ष आ गए, 65 आ गए, 70 आ गए, तो हो सके तो यथासंभवतया रोज एक सामायिक, विशेष कोई स्थिति को छोड़ दें, रोज सामायिक का प्रयास हो, संभव हो तो रोज सवेरे सवेरे सामायिक कर लें, ब्रह्म मुहूर्त कह दें कि वो अच्छा समय है, अमृत वेला कह दें, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जब भी उठे आवश्यक काम निपट गया, एक सामायिक सवेरे सवेरे की सामायिक मानव की अमृत है, सवेरे की सामायिक की साधना अमृत है, बस सुबह सुबह सामायिक होगी बहुत अच्छा काम हो गया। अब मान लो और भी काम कर दे, एक सामायिक यथासंभवतया रोज होती रहे,
मान लो भी आज तो फ्लाइट है, जाना है, तो जल्दी समय कर ली पहले कि फ्लाइट मान लो 5 बजे की है, जल्दी रवाना होना पड़ेगा, तो 2-2.5 बजे उठ के अपने समय कर दी। अब वो दूसरे काम जितना मान लो सवेरे, नहीं तो फिर शाम को कर लो, कभी कर लो, एक सामायिक रोज हो जाए, ये मान लो आगे के लिए एक हमारी आप यानी श्रावकों की दृष्टि से एक बात हो सकती है, एक बात सामायिक। दूसरी बात है कि सामायिक के सिवाय अपने त्याग प्रत्याख्यान, नशे का तो त्याग रखे आदमी, का नशा किसी तरह का नहीं करना, नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, नो गुटखा, नो कुछ नहीं, नशा कुछ नहीं जीवन में, नशा मुक्त जीवन हो, नॉन वेज मुक्त भोजन हो, भोजन में कहीं नॉन वेज नहीं आ जाए, होटल में ठहरें कहीं ठहरें, ये भोजन मेरा नॉन वेज वाला, मिला जुला भी नहीं चाहिए, मैं तो नॉन वेज से दूरी, नॉन वेज से परहेज। तो यह भोजन में संकल्प हो भी मेरा भोजन नशा नहीं, नॉन वेज भोजन से बचने का गहरा प्रयास, तो यह भी एक संयम की साधना हो गई। यह दूसरी बात है। तीसरी बात है कि और प्रत्याख्यान जितने हमारे जो 12 व्रत की बात है, श्रावकों के 14 नियम की बात होती है भी, ये इतने द्रव्यों से ज़्यादा नहीं खाना, वो नहीं करना, ऐसे जितने नियम वो जितने ले सके वो त्याग नियम लें, और इसके सिवाय अपनी ईमानदारी बिजनेस में, उद्योग में भी, जहाँ तक बाकी तो आप गृहस्थ हैं, जहाँ तक जितना संभव हो सके भाई अपने नैतिकता, मोरलिटी, मोरल वैल्यूज इन बिजनेस एंड एवरीथिंग, ये मोरल वैल्यूज वाली बात का जितना अधिक से अधिक हो सके वो प्रयास हो भी, हमारी ट्रांसपेरेंसी, ओनेस्टी, मोरलिटी, ये चीज़ें रहे, कि नहीं ज़्यादा झूठ बोलना पड़े, अब बात बात में फिर वो झूठ बोलना पड़े, तो झूठ बोलने से तो पाप के बंद की बात, तो झूठ भी जितना हो सके, बिजनेस हो धंधा भी, बात है वो साफ है, हमारी बात साफ सुथरी है, तो ये ईमानदारी होती है तो मानो आगे के लिए हम रास्ता ठीक है। और अहिंसा की चेतना, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए आदमी को, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, समाज हो, संस्था हो, परिवार हो, व्यापार हो, चाहे व्यापार की जगह में बैठो, चाहे परिवार में रहो, चाहे समाज में रहो, संस्था का काम करो, ज़्यादा गुस्सा कहीं भी लगभग मेरे ख्याल से काम का नहीं होता, आदमी को शांति रखनी चाहिए, अपनी बात कहनी सो कहनी है उसमें भी शांति, बात में भी शांति रख सकते हैं, तो ज़्यादा गुस्सा न तो यहाँ काम का न आगे के लिए काम का। तो अहिंसा भी हमारी ओर से किसी को तकलीफ भी नहीं, हम गुस्से से भी बचने का प्रयास करें, तो यह हमारा जो पूर्व का पुण्य भोग रहे हैं तो साथ में आगे के लिए भी रास्ता ठीक रहे। और ईमानदारी, अहिंसा, इधर नशा आदि का सब परहेज, नॉन वेज का परहेज, और भी त्याग प्रत्याख्यान, और फिर सामायिक आदि की साधना की बात बता ही दी गई है। इसके सिवाय जो धार्मिक आध्यात्मिक सेवा दी जा सके भी, साधु संतों का जितना हो सके संपर्क कर लें, कभी व्याख्यान सुन लें, कोई और कोई ज्ञान की चर्चा कर लें, तो साधु संत हैं, त्यागी लोग हैं, उनके पास बैठना भी ठीक है। तो धर्म आदि की बात साधु संतों से जितनी ली जा सके, और समाज में भी जितनी धार्मिक आध्यात्मिक सेवा दी जा सके, अच्छा है मेरे में भी शक्ति है, शरीर ठीक है, अनुकूलता है, तो समाज को भी जितनी धार्मिक आध्यात्मिक सेवा दे सकें बढ़िया है, क्योंकि हर कोई सेवा हर कोई आदमी नहीं कर सकता, कोई सेवा कोई कोई आदमी ही कर सकता है, हर सेवा हर किसी के बस की बात नहीं होती है। अब मान लीजिए कोई अच्छी चिंतन मंथन की सेवा है, धार्मिक आध्यात्मिक संदर्भ में है, तो हर किसी से वो सेवा न भी हो, जिनके पास बुद्धिमत्ता है, वैदुष्य है, चिंतनशीलता है, वे लोग अच्छी एक चिंतन की सेवा दे सकते हैं, अच्छा परामर्श दे सकते हैं। तो जो धार्मिक आध्यात्मिक सेवा दी जा सके, कि स्वास्थ्य की भी अनुकूलता है, पढ़ाई लिखाई की हुई है, सेवा की भावना है, तो अच्छी बात है, अच्छा जीवन है, तो समाज में अच्छी सेवा दें धार्मिक आध्यात्मिक, तो यों हमारा
हम आगे की दृष्टि से भी जागरूक रहें कि पूर्व का पुण्य ही भोग रहे हैं या आगे के लिए भी कुछ कर रहे हैं। इसमें भी और विशेष बात है कि पुण्य की बात भी छोटी, मूल आत्मा की निर्मलता, आत्मा निर्मल है तो आगे भी ठीक है, आत्मा निर्मल नहीं है तो आगे के लिए भी कठिनाई हो सकती है। तो मनुष्य को फिर अवस्था भी आ जाए, 70 आ गए, 75 आ गए, तो फिर अगले जन्म के संदर्भ में भी ध्यान दें कि कितना क्या कर लिया, अब और क्या आगे के लिए ध्यान दें, और क्या त्याग प्रत्याख्यान करें, और जीवन कैसे अच्छा रहे कि मेरे आगे के क्रम में भी मैं ठीक रह सकूं। तो ये भगवती सूत्र में जो कहा गया सुप्रत्याख्यात दुष्प्रत्याख्यात, कि ज्ञान पूर्वक सम्यक्त्व सहित जो त्याग होता है वो सुप्रत्याख्यात, और सम्यक ज्ञान रहित कोई त्याग कर ले तो वो सुप्रत्याख्यान नहीं, दुष्प्रत्याख्यान। जो ये ऐसी बातें हैं, तो भगवती सूत्र में ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो हम अपने जीवन में ज्ञान पूर्वक आचरण, अच्छा आचरण करने का प्रयास करें, यह काम है। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बम्भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।